Good morning everyone. Today we are going to learn our next topic, that is laws and descent. Laws means आप सबको पता है and descent means होता है मतभेद. अगर कहीं पे laws है, rules है, regulations हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से मतभेद भी होंगे. The term descent or disobedience means refusal to abide by law. ये जो टर्म है डिसेंट या डिसओबीडियंस, इसका मतलब ही यही है कि जो भी लॉ बनाए हैं उसको रिफ्यूज़ करना, उसको फॉलो करने से मना करना. इट मींस द रिफ्यूज़ल टू ओबे द लॉज विच रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी. इस अदर वर्ड में आप ये बोल सकते हो, किसी भी लॉ को ओबे करने से मना कर देना जो कि पावर को शो करता है. अथॉरिटी मीन्स पावर, है ना, डिसीजन लेने की पावर. ओके, द गोल ऑफ डिसेंट इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द एक्शंस, पॉलिसीज, लॉज, गवर्नमेंट एंड इन सोशल पॉलिटिकल सिस्टम अंडरलाइंग इट. जो भी गोल होता है मतभेद का, वो क्या होता है कि किसी भी एक्शन में, पॉलिसीज में, लॉज में, गवर्नमेंट में, सोशल या पॉलिटिकल सिस्टम जो भी हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना. अच्छा, लड़ाई झगड़े होते ही क्यों हैं? क्योंकि दो लोग एक पॉइंट से सहमत नहीं होते, वो कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं, इसलिए वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद इसीलिए होता है. डिसेंट कैन लीड टू अ रेडिकल चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो. जो डिसेंट है वे आपके पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है उसमें भी चेंज लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ओवरथ्रू द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोनार्क्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और जो रशियन रिवॉल्यूशन है, उसमें आपके प्रॉपर जो मोनार्क जो रूल्स दिए हुए हैं उनको बाहर, ऑटोक्रेटिक रूल्स को बाहर निकाल दिया गया था. ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है जो आपको फॉलो करने ही हैं, बन गए हैं, तो उनको उन्होंने डिसओबे कर दिया था. डिसेंट और डिसओबीडियंस टेक्स प्लेस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड फॉर जस्टिफाइबल रीजंस. जो डिसेंट और जो डिसओबीडियंस है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होते हैं, जहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा हो और जहाँ पे उनको जस्टिफाइबल, मतलब एक ऐसा रीज़न उनके पास हो जिसमें उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए ये सब होता है. लेट अस टेक अ लुक एट टू सच केसेस ऑफ डिसेंट इन इंडिया. ये मतभेद के दो ऐसे को केस हम भारत में देखते हैं. वन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, एक वो जो हमारा भारत स्वतंत्र होने के पहले था, तब का देखते हैं. दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत के आज़ाद होने के बाद. सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. सत्याग्रह आंदोलन में क्या हुआ था 1930 में, जो सॉल्ट सत्याग्रह था. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियंस वर स्ट्रगलिंग टू अचीव पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. गांधी जी हाईलाइटेड द कंडीशन ऑफ द मासेस. जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इंडिया जो है हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए पार्टिसिपेट करने में स्ट्रगल कर रहा था. इस स्ट्रगल से आज़ादी के लिए गांधी जी ने इस मास कंडीशन को हाईलाइट किया. द ब्रिटिश इम्पोज्ड सॉल्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू विच द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट बिकम अ ब्रिटिश मोनोपोली. जो सॉल्ट टैक्स इम्पोज होता था, अप्लाई होता था, क्योंकि ब्रिटिश मोनोपोली था उस टाइम पे, सारे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज कर रहे थे, वही सेल कर रहे थे, वही प्रॉफिट रख रहे थे, वो प्रॉफिट हमारे इंडियंस को तो दे ही नहीं रहे थे. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, मोनोपोली चल रहा था तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था सॉल्ट का और जो सेल हो रहा था वो अकेले ही वो कर रहे थे, तो सॉल्ट टैक्स भी वो अप्लाई कर रहे थे. नो इंडिविजुअल वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट. किसी भी सिंगल पर्सन को सॉल्ट को प्रोड्यूस करना अलाउ ही नहीं था.
At its Lahore session of 1929 AD, the Congress revolved to fight for complete independence and started the civil disobedience movement, including non-payment of taxes. Gandhiji decided to start off the movement by breaking the Salt Act. लाहौर का जो सेशन चल रहा था 1929 AD में, कांग्रेस ने इस लड़ाई को रिसॉल्व किया इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से पाने के लिए और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें टैक्स पे नहीं करने के लिए शर्त रखी गई. गांधी जी ने डिसाइड किया इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए सॉल्ट एक्ट को ब्रेक करके. ओके, द सॉल्ट एक्ट हैड गिवन द गवर्नमेंट द सोल राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट. जो सॉल्ट एक्ट था उसने गवर्नमेंट को खुला हक दे दिया था सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का. गवर्नमेंट को अगर कोई भी पर्सन सॉल्ट बनाता है तो द सॉल्ट कुड बी कन्फिस्केटेड एंड द ऑफेंडर सेंटेंस टू 6 months इम्प्रिजनमेंट. अगर कोई भी सॉल्ट बनाता है तो उसका नमक कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लेना, तो उसका नमक जब्त कर लिया जाएगा और जो ऑफेंडर थे जो उनका बचाव करेंगे उनको 6 महीने की जेल हो जाएगी. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनका जो कंप्लीट मोनोपोली था वो उससे बाहर आ चुके थे. गांधी जी ने इसको नाम दिया द मोस्ट इनह्यूमन टैक्स. जो ज़बरदस्ती का टैक्स चार्ज किया जा रहा था ह्यूमन बींग से, वो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी इम्बार्क ऑन द हिस्टोरिक दांडी मार्च विच लास्टेड फॉर 24 डेज. 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया जो कि 24 दिन तक चला. पीपल सर्ज फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर्स टू जॉइन द सत्याग्रहीज और डिफरेंट प्लेसेस. बहुत सारे लोगों ने एक बड़े पैमाने पे इसको ज्वाइन किया अलग अलग प्लेसेस से. गांधी जी और उनके जो फॉलोअर थे जब वो दांडी पहुँचे तो उन्होंने इस नमक के कानून को तोड़ा और नमक ओपनली बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिश मोनोपोली को हरा. इन अ प्रेस स्टेटमेंट, एक मीडिया के स्टेटमेंट में गांधी जी ने बोला है कि गांधी जी अर्ज पीपल एवरीवेयर टू वायलेट द सॉल्ट लॉ. हर एक पर्सन ये जो नमक का कानून है इसको तोड़े. ये जो एग्जांपल है ये पॉलिटिकल डिसओबीडियंस का है जो कि अनपैरेलल था हमारी हिस्ट्री में. ओके, ये जो नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है द एंटी लिकर मूवमेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच.